नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं NB17। मैं हूं आपका दोस्त देवेश गुप्ता। शरदीय नवरात्रि के प्रथम दिन आज हम आपको ऐसे मंदिर पर लेकर चलते हैं जहां मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और मंदिर का निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था, पूरे इतिहास के साथ हम आपको मंदिर से परिचय करवाएंगे और वहां के स्थानीय लोग हैं जो पुजारी हैं उनसे बात भी करेंगे कि क्या कुछ मंदिर की विशेषता है, मंदिर पर क्या कुछ प्रथाएं चलती थी। माता रानी के मंदिर पर होती है सभी मनोकामनाएं पूर्ण। करीब 1000 साल पुराना है गढ़कुंडार का मंदिर। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं और लगातार भक्त अब मंदिरों पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसे विशेष मंदिर पर लेकर पहुंचे हैं जहां हजारों वर्ष पुराना है और मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार, जहाँ की गिद्धवाहिनी माता का मंदिर अपने आप में अनोखी छवि छोड़ता है। यह मंदिर 1000 साल पहले सोहनपाल बुंदेला नामक राजा ने बनवाया था। मंदिर के पुजारी रघुवीर शरण बबेले बताते हैं कि माता रानी का मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर पर सैकड़ों भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना लेकर आते हैं उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। वहीं मंदिर के पुजारी प्रेम नारायण बबेले ने बताया कि माता रानी विंध्यांचल से चलकर गिद्ध पर सवार होकर आई थी। यहाँ सोहनपाल बुंदेला को माता रानी ने कहा था कि जहाँ हमारा गिद्ध बैठेगा वहाँ आपका राज चलेगा, वहीं आपको मंदिर का निर्माण कराना पड़ेगा। वहीं सोहनपाल बुंदेला द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। वहीं एक तालाब की स्थापना भी की गई जिसे सिंदूर सागर कुंड के नाम से जाना जाता है। वहीं बताया गया कि मंदिर पर सन 1947 से प्रतिवर्ष 5 बलिदान दिए जाते हैं, जिसमें 2 भैंसा, 1 बकरा, 1 कद्दू, 1 नींबू का बलिदान होता है। वहीं बताया कि माता रानी दिन में 3 स्वरूप बदलती हैं, सुबह बाल, दोपहर में जवान अवस्था एवं शाम को वृद्धावस्था में मां भक्तों को दर्शन देती हैं। माता रानी के दरबार में राजस्थान निवासी एक SDM द्वारा संतान ना होने पर माँ के दरबार में मन्नत मांगी थी। इसके बाद SDM के घर 2 संतानें हुईं। इसके बाद SDM द्वारा मंदिर का भव्य सौंदर्यकरण किया गया। भक्त कहते हैं कि माता रानी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी माँ को गढ़कुंडार में सोहनपाल द्वारा विंध्यांचल से माता रानी को गिद्ध पर सवार करके लाए थे, जिसके बाद माता रानी ने कहा था कि हमारा गिद्ध जहां विराजमान होगा वहीं मंदिर का निर्माण होगा और वहीं का आपके राजपाट मिलेगा। जिसके बाद माता रानी का गिद्ध गढ़कुंडार की पहाड़ियों पर आकर बैठा और मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं गिद्ध पर सवार होकर आई मां का नाम गिद्धवाहिनी रखा गया। मंदिर का निर्माण जो है राजा सोहनपाल ने करवाया। मंदिर को गिद्धवासी मैया को आए जो है 950 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे, और विशेष कृपा जी है माता रानी की कि जो भी भक्त आते हैं माता रानी उनकी पूरी करती हैं और सदा उनके ऊपर कृपा करती हैं। महाराज जी बताएं कि मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया था, पहले मंदिर में क्या ऐसा रहा था कि मंदिर का सौंदर्यीकरण एक SDM ने कराया था, क्या उसकी मनोकामना थी? उसकी मनोकामना ये थी कि उसके यहाँ कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, तो जो है वो राजस्थान से यहाँ आए, निवाड़ी में पदस्थ हुए वो, और निवाड़ी से जो है माता रानी की कृपा हुई तो वो यहाँ मंदिर पे आए तो यहाँ तो जो है माता रानी ने उनकी पूरी करी और उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी, तो उनने जो है सौंदर्यीकरण बहुत ज़्यादा करवाया। अंत में जो है वो समाप्त होकर नहीं रहे, उनकी संतान है वो आते जाते रहते हैं, तो माता रानी की विशेष कृपा है जो है भक्तों के ऊपर और सदा जो है वो अपनी कृपा बरसाए रहती हैं। मंदिर 990 साल पुराना है। मंदिर की परंपराएँ तो बहुत हैं, लेकिन उनके बारे में अगर कोई हमसे पूछे तो हम उनको बताएं। मंदिर कहते हैं माताजी दिन में 3 रूप बदलती है, क्या? हाँ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। 3 रूप आज भी बदलती है, सुबह बाल अवस्था, दोपहर में जवान अवस्था, शाम को वृद्ध अवस्था। मंदिर की क्या क्या परंपराएं हैं? पहले मंदिर पर बलि की चढ़ती थी, सांड की बलि। सन 47 के पहले 5 बलिदान होते थे यहाँ पर, 2 पड़ा का बलिदान, 1 बकरा का बलिदान, 1 कद्दू का, 1 नींबू का। तो कहाँ होते थे वो? वो नीचे होते थे आंगन में, भी कहते हैं लोग के आंगन में 1 बलिदान होता था। यहाँ बलिदान कोई नहीं होते थे आंगन में, वहाँ बकरा का होता था। हाँ,
मंदिर की क्या विशेषताएं रही? आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, आज कैसा मानते हैं आप, लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? आज सावधानी तो बहुत है, लेकिन मानता कौन है। आज जैसे पहला दिन है शैलपुत्री का दिन, प्रथम शैलपुत्री का द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे मंदिर चतुर्थम पंचम स्कंद मातृत्व सत्यम कत्या नीचा सप्तम काला महागौरी का नवम शिवरात्रि का नकु का प्रतिका, जो नौ दिन नौ देवियों के हैं, नौ उनके नाम हैं। आज प्रथम दिन है शैलपुत्री का दिन है, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, माता के द्वारशनी का शैलपुत्री का रूप है, आज पहला दिन है और बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, सुबह से बड़ा धूप चल रही है। महाराज जी, मंदिर की क्या विशेषता है, कितना पुराना मंदिर है? मंदिर को लगभग 1100 वर्ष हो गया है, विद्वासनी माता है, विंध्याचल से यहाँ आई थी। मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा सोहन पाल। मंदिर की क्या आप मन्नतें रखते हैं, लोग आते हैं? अभी कुछ लोगों ने बताया था कि नीचे कोई SDM की संतान नहीं थी, उसने मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया था। दो चार साल पहले की बात है, SDM साहब आए थे बाहर से, तो उनके संतान नहीं होती थी, वो यहाँ आए, उनने यहाँ मन्नत मांगी, उनके लड़के के साथ दो संतान हुई, उनने यहाँ पर बहुत काम करवाया यहाँ पर, और यहाँ कई भक्तों का अच्छा होता है यहाँ पर, जो अच्छे मन से श्रद्धा से लोग आते हैं, देवी जी को चाहते हैं, उनका सारी मन्नत पूरी होती है। तो आपको हमने माँ विंध्यवासिनी माता मंदिर पर पहुँचाया और माता रानी के दर्शन भी करवाए। हम आपको बता दें कि 5 बलिदान दिए जाते थे, ऐसा बताया गया है। जो मंदिर के पूर्व पुजारी हैं प्रेम नारायण जी, उन्होंने बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष 5 बलिदान दिए जाते थे, लेकिन कुछ सालों से यह परंपरा बंद हो गई है। इसी के साथ मंदिर में जो माता रानी हैं, विंध्यवासिनी माता जी हैं, वह दिन में 3 रूप बदलती हैं। ऐसे मंदिर से आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आगे और मंदिरों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।